Hey everyone, and once again, welcome to WsCubeTech. Myself, Umar Daskir. Guys, this particular video, we are going to talk about some of the myths which are related to affiliate marketing. Guys, when we start affiliate marketing, this basically the video is for beginners. So, when you are going to start affiliate marketing, there are many myths that will come in front of you. There are many questions that will come in front of you. There are many people who will say. तो मैं कुछ चीजों को आपको क्लियर कर दूं क्योंकि ये चीजें बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है कि आप मिसगाइड ना हो, आपको सही चीज पता हो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में. अदरवाइज आप जा किसी और डायरेक्शन में रहे होंगे और पहुंच किसी और डायरेक्शन में जाएंगे, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या जो मिथ्स हैं जो लोगों ने फैला रखी हैं, ठीक है, उनको मैं बस्ट करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में. तो शुरू करते हैं. तो सबसे पहली चीज जो है, मोर प्रोडक्ट मतलब मोर प्रॉफिट. देखो, बड़े सारे लोग बोलते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है, ये प्रोडक्ट पकड़ लो, ये प्रोडक्ट पकड़ लो, ये प्रोडक्ट पकड़ लो. अगर आपके लिए एक प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है तो आप दो ले लो, तीन ले लो, चार ले लो, पांच लो, कोई ना कोई प्रोडक्ट तो काम करेगा. देखो, ऐसा नहीं होता है. प्रोडक्ट हम तभी स्विच करें जब हम इस बात से क्लियर हों कि जो हमने प्रोडक्ट लिया था वो हमारी निश का था, प्रोडक्ट सही था, चला नहीं इस वक्त कोई दिक्कत की बात नहीं, बट निश वगैरह सही थी. ऐसा नहीं है कि निश वगैरह जो है वो डिफरेंट थी. अगर देखो, निश वगैरह अगर आपकी डिफरेंट थी और आपने जो प्रोडक्ट लिया, अब आप उसको ब्लेम कर रहे हो कि प्रोडक्ट नहीं अच्छा था, बट अगर वो प्रोडक्ट आपके निश का ही नहीं था तो वैसे भी नहीं चलता. क्लियर हुई बात? तो मोर प्रोडक्ट इज इक्वल टू मोर प्रॉफिट, ये फॉर्मूला नहीं लगने वाला है. इससे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि जो आप भी प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप पिक कर रहे हो वो आपकी निश के रेलेवेंट है या नहीं, और जो आपके पास करंट ऑडियंस है या जो भी आपके पास तरीका है ऑडियंस का, जब आप उस ऑडियंस के सामने उस प्रोडक्ट और सर्विस को रखोगे तो वास्तव में वो प्रोडक्ट और सर्विस उस पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए कुछ बेनिफिट जो है वो दे रहा है या नहीं दे रहा है. तो कहने का मतलब यह है कि सीधे हम प्रोडक्ट को ब्लेम नहीं कर सकते, हम अपनी रिसर्च को जरूर ब्लेम कर सकते कि हमने प्रोडक्ट की रिसर्च ठीक से नहीं करी. तो मोर प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू मोर प्रॉफिट. अगर हम स्टैंडर्ड वे में बात करें देन मोर प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू मोर प्रॉफिट. दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज, बड़े सारे लोग बोलते हैं कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग में जो सक्सेस है या जो जो अर्निंग आप करते हो वो लक के ऊपर डिपेंड करती है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये डिपेंड करता है हार्ड वर्क के ऊपर, स्किल के ऊपर, ठीक है. आपके जो बेस है वो कितना स्ट्रांग है, आपका जो इन्फ्लुएंस है अपनी ऑडियंस के ऊपर वो कितना स्ट्रांग है, ये लक के ऊपर डिपेंड नहीं करता. और बड़े सारे लोग ये चीज बोलते हैं, तो इस बात को स्टार्टिंग से ही ध्यान रखिए. अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करने जा रहे हैं तो ये मत सोचिए कि कोई चमत्कार होने वाला है और उसके बेसिस पे हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे, राइट? बड़े सारे लोग बोलते हैं स्किल्स की जरूरत नहीं है, एफिलिएट मार्केटिंग ऐसी चीज है जिसमें आपको स्किल्स की जरूरत नहीं. ऐसा नहीं है. देखो, एफिलिएट मार्केटिंग करने के अलग अलग तरीके हैं. जैसे हम ईमेल लिस्ट, मैंने आपको शायद इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि ईमेल लिस्ट हम लोग बिल्ड करके एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं. हम लोग एड्स जो है रन करके एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं. तो अगर आपको एड्स रन करना नहीं आते, अगर आपको प्रॉपरली फेसबुक एड्स रन करना नहीं आता, अगर आप प्रॉपरली ट्रैफिक जनरेशन जो है वो नहीं कर पाते, तो बेसिकली प्रॉब्लम होने वाली है आपके पास, राइट? तो अगर आप ईमेल लिस्ट वाले अप्रोच के ऊपर जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए किस टाइप से जो आपकी ईमेल लिस्ट है उसको आप किस तरीके से रेगुलर बेसिस पर अपडेट कर सकते हैं, किस तरीके से और अच्छे ईमेल लिस्ट आप बिल्ड कर सकते हैं, किस तरीके से आप एक जबरदस्त एक ऐसी ईमेल लिस्ट आप बिल्ड कर सकते हैं जो वास्तव में क्वालिटी ईमेल लिस्ट हो, और अगर आप उनको कुछ दे रहे हो तो वो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें. आपके निश से रिलेवेंट वो ईमेल लिस्ट होनी चाहिए. आप जिस टाइप के प्रोस्पेक्ट ढूंढ रहे हो वो वहां पर होने चाहिए. फाइन. सो यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि स्किल्स आर एक्चुअली रिक्वायर्ड, राइट? फोर्थ इज, एफिलिएट मार्केटिंग इज नॉट अ बिजनेस. बड़े सारे लोग हैं जो समझते हैं केवल एक पार्ट टाइम एक्टिविटी है, कभी एफिलिएट मार्केटिंग को फुल टाइम नहीं किया जा सकता. गाइस, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एफिलिएट मार्केटर्स हैं जिन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग को फुल टाइम के लिए अडॉप्ट कर रखा है, जिन्होंने फुल टाइम के लिए एफिलिएट मार्केटिंग को अडॉप्ट कर रखा है, वो उनका पार्ट टाइम नहीं. हाँ, स्टार्ट जरूर बड़े सारे लोग पार्ट टाइम की तरीके से करते हैं, जैसे अगर वो जॉब कर रहे हैं तो साइड में थोड़ा सा हसल करते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग जो है उसको करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये स्केल नहीं हो सकता. मतलब ये बिजनेस मॉडल ऐसा नहीं कि स्केल नहीं हो सकता, अप्रोच ऐसी नहीं है स्केल नहीं हो सकता. ऐसा नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग को आप फुल टाइम करियर नहीं बना सकते हो. बिल्कुल, आप एफिलिएट मार्केटिंग को फुल टाइम करियर बना सकते हो. वेबसाइट इज नेसेसरी, बड़ा ही छोटा सा मिथ है ये, बट बड़े सारे लोगों को डाउट रहता है कि क्या वेबसाइट की जरूरत है. देखो, सभी केसेस में वेबसाइट की जरूरत नहीं है, बट ज्यादातर केसेस में आपको वेबसाइट की जरूरत पड़ती है. अगर आप कहीं ट्रैफिक वगैरह लाना चाहते हो तो वेबसाइट कह ले हम या कह ले लैंडिंग पेजेस, उन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है. अदरवाइज जैसे अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू करना चाहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, वहां पर वेबसाइट की जरूरत आपको नहीं है. तो इट इज गुड टू हैव अ वेबसाइट, बट ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है.
उसके बाद जो सिक्स पॉइंट आप यहाँ पर देख रहे हो, यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन ऑल द फील्ड फॉर द सेम। कहने का मतलब कि एफिलिएट मार्केटिंग को थोड़ा बहुत लोग जो है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेट करते हैं, या ऐसा कह लें कि एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए लोगों को डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेना पड़ता है, तो वो ये समझते हैं कि हमें एसईओ भी आना चाहिए, हमें पीपीसी भी आना चाहिए, हमें लीड जनरेशन भी आना चाहिए, फाइन, हमें सोशल मीडिया भी आना चाहिए, हमें ईमेल लिस्ट को बिल्ड करना भी आना चाहिए, हमें फेसबुक एड्स भी आने चाहिए, हमें कंटेंट मार्केटिंग भी आनी चाहिए, फाइन, हमें कॉपी राइटिंग भी आनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो इनमें से एक दो तरीके भी अगर आपको आते हैं, जैसे हम एसईओ की बात करें, तो अगर आपको एसईओ आता है तो आप अपनी एफिलिएट वेबसाइट बनाकर, राइट, फिर वहां पर आप उस वेबसाइट का एसईओ करके आप वहां पर ट्रैफिक ला सकते हैं, और जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस है, जो भी आपका एफिलिएट प्रोडक्ट या सर्विस है, उसको आप सेल कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन बेच है, तो उसके आप सब्सक्रिप्शन बेच सकते हैं। तो क्या यहाँ पर मुझे फेसबुक एड्स की जरूरत पड़ी? नहीं। तो आपको हर एक चीज में मास्टर होने की जरूरत नहीं। बड़े सारे लोग बोलते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग तो हम तब स्टार्ट करेंगे जब ये सारी चीजें हमको आ जाएं, तो वो तो कभी होने वाला नहीं है, है ना। आपको सारी चीजें आ जाएं, आप सारी चीजों के एक्सपर्ट बन जाएं, बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, और उसके बाद भी ये 100% श्योर है कि आप 100% आपका स्किल सेट ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें सारी चीजें हो, राइट। देन कस्टमर्स डोंट लाइक एफिलिएट मार्केटिंग। बड़े सारे लोग लगता है कि अगर हम अपना एफिलिएट लिंक देंगे तो कस्टमर्स उसको पसंद नहीं करते और उनको लगता है इसको कमीशन जाएगा और वो उससे परचेज नहीं करते, वो डायरेक्टली परचेज कर लेते हैं। देखो, इसको समझो आप, कस्टमर्स एफिलिएट लिंक्स क्यों नहीं लाइक करते हैं? वो इसलिए नहीं लाइक करते क्योंकि अगर जो नॉर्मल प्राइस है जिसपे उनको नॉर्मल प्राइस पे प्रोडक्ट या सर्विस मिल रही, उसी पे अगर आप भी उनको ऑफर करोगे तो फिर वहां प्रॉब्लम होगी। तो आपको कुछ एडिशनल ऑफर्स वगैरह उसमें ऐड करने पड़ेंगे, कुछ बोनसेस वगैरह ऐड करने पड़ेंगे, जो कि बेसिकली आपके एफिलिएट ऑफर को यूनिक बनाएगा और आपके थ्रू लोग फिर एफिलिएट प्रोडक्ट्स जो हैं वो खरीदेंगे, राइट। उसके बाद दिस कांट बी अ फुल टाइम बिजनेस, को मैंने यहाँ पर भी थोड़ा सा डिस्कस किया है। ऐसा नहीं है कि ये फुल टाइम बिजनेस नहीं हो सकता। हाँ, स्टार्टिंग में कोई बंदा जॉब कर रहा है, कोई कोई दूसरी एक्टिविटीज कर रहा है, कोई किसी दूसरे टाइप के प्रोफेशनल एनवायरमेंट में काम कर रहा है, तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप आ जाओ और सीधे एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग जमने में या प्रॉपरली एफिलिएट मार्केटिंग जो है आपको रिटर्न देना शुरू कर दे, अच्छे रिटर्न देना शुरू कर दे, उसके लिए थोड़े से आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। डे वन की प्रोसेस नहीं है, थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, स्किल्स अपनी देखनी पड़ेंगी और डायरेक्शन अपनी चूज करनी पड़ेगी, तो उसमें कुछ टाइम लगता है, राइट। तो मैं नहीं कहूंगा कि आप अपनी जॉब छोड़ के सीधे आ जाओ और एफिलिएट मार्केटिंग में लग जाओ। तो आप साइड हसल थोड़ा बहुत कर सकते हो, आप समझो किस टाइप से प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, कौन कौन से एफिलिएट नेटवर्क्स हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हमें अपनी निश के लिए लेने चाहिए। फिर जब आप देख रहे हो कि आपके लिए वो एक बिजनेस की तरीके से होता जा रहा है और अब आपको लगता है कि आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, आपका एक बेस बन चुका है, तब आप जॉब छोड़ सकते हो। फिर भी मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको केवल एक जनरल सिनेरियो बता रहा हूँ कि ऐसे सिचुएशंस में जनरली ऐसा होता है। इट इज टोटली अप टू यू कि अगर आपको लगता है कि आप जॉब को, एफिलिएट को पैरेलली मैनेज कर सकते हो, एफिलिएट वाले पार्ट में आपको 5 घंटे देने, जॉब में आपको 8 घंटे देने, इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके से उसको मैनेज करते हो। बट यहाँ पर एक चीज जो बहुत ही बेसिक है, जो बहुत ही बेसिक है, फंडामेंटल है, वो ये है कि आप अपनी करंट जॉब छोड़ के स्टार्टिंग में ही आप एफिलिएट मार्केटिंग में आ जाए इस एक्सपेक्टेशन में कि हमें तो तुरंत फर्स्ट डे से ही अर्निंग हो जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है, राइट। तो ये कुछ मिथ्स है जो कि जरूरी हैं एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले, एफिलिएट नेटवर्क्स के ऊपर अकाउंट बनाने से पहले, कि इन सारी चीजों के बारे में हमें पता हो। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।